हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में सोशल मीडिया लिंक्स जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों सोशल मीडिया लिंक्स को अबाउट सेक्शन में डालना इसलिए ज़रूरी होता है, मान लीजिए किसी ने आपकी वीडियो देखी, उसे आपकी वीडियो, आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो फिर वो आपके चैनल पर विजिट करता है और फिर वो आपके अबाउट सेक्शन में जाता है। वहाँ से वो आपके सोशल मीडिया लिंक्स पर क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी विजिट कर सकता है और फिर वहाँ से वो आपको फॉलो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे सब्सक्राइबर्स से जो हमारी कनेक्टिविटी होती है वो बनी रहती है। और स्टार्टिंग में हमें नहीं आता है कि हमें अपने सोशल मीडिया लिंक्स को अबाउट सेक्शन में कैसे ऐड करना है, तो ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करना है, एंड देन आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com। तो यहाँ पर आपका YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें जो लास्ट से सेकंड वाला ऑप्शन है, ये हमारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बेसिक इन्फो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड करें। डिस्क्रिप्शन में आप अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं, और आप यहाँ पर भी सोशल मीडिया लिंक्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर डाल रखा है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐड लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक टाइटल ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप अगर इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल दें टाइटल में इंस्टाग्राम। सो दोस्तों, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। तो लिंक ऐड करने के लिए सबसे पहले लिंक का कॉपी होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी कैसे करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हम instagram.com सर्च कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर गेट द ऐप पर क्लिक नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको यहाँ पर instagram.com पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहां पर अपना यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सबको ही पता होता है। तो मेरा यूज़र नेम है nilu_verma16, तो मैं यहां पर ये मेंशन कर दूंगी। यहां पर आपको अपना यूज़र नेम डालने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहां पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर आपको जो ये लिंक दिख रहा है, यही हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम इंस्टाग्राम के लिंक को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम के लिंक को अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में पेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको फिर से अपना पुराना वाला टैब ओपन करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम के लिंक को पेस्ट कर देंगे। आप इसी तरीके से अपने फेसबुक के भी लिंक को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से ऐड लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइटल मेंशन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी फेसबुक। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि हमें अपने फेसबुक पेज के लिंक को कैसे कॉपी करना है। उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है एंड देन आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है facebook.com। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर facebook.com को डेस्कटॉप मोड में ही ओपन करना है। तो अगर आपका डेस्कटॉप मोड इनेबल नहीं है तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लें।
अब दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले तरीका बताया है, आपको यहाँ पर सर्च करना है एंड देन आप इसको यहाँ पर एडिट कर लें और आपको यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मेरे फेसबुक पेज का यूज़र नेम है नीलू वर्मा पेज, तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर दूंगी। अब हम इसे यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज ओपन होकर के आ गया है। तो दोस्तों आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक वहाँ पर ऐड करना है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक नहीं ऐड करना है। तो अगर आपने अभी तक अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया है और आपका यूट्यूब चैनल है तो आप ज़रूर अपना फेसबुक पेज बना लें। अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर अपने फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी कर लेंगे एंड देन इसको यहाँ पर अपने अबाउट सेक्शन में हम पेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपको जिस भी सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पर ऐड करना है आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दो लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगी। तो पहला नाम है गेमिंग ऑन फायर और दूसरा नाम है यहाँ पर दैट्स आर के एस। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग मी। आप प्लीज़ इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।